Chance here, that's oh, outside, so <laughs> अस्सलाम वालेकुम मैं मुसलमान अकबर आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल व्यू फ्राम द गोल्ड पोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सिटिंग सेक्रेटरी हैं आसिफ बाजो उन्होंने एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है। हमारे बड़े एक्सपीरियंसड और सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल को उनके शो में जो एक्सप्रेस न्यूज़ पर आता है और uh, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ने बड़ी देर बाद मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक ब्रीफ जो है एक इंटरव्यू दिया है तो उसमें उससे उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और उन्होंने उनका जवाब देने की कोशिश की और इस वीडियो में मैं आपको उनके कुछ उस इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा कि उन्होंने उनसे क्या सवाल पूछा गया उन्होंने क्या जवाब दिया मुख्तफ इशूज़ पर उन्होंने बात की और इस इस प्रोग्राम का जो पूरा जो प्रोग्राम है उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा तो आप काइंडली इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले पूरे प्रोग्राम को भी अगर आप देख लेंगे तो शायद आपको मेरी ये वीडियो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ भी आएगी प्रोग्राम के स्टार्ट में यहाँ देखें आसफ़ बाजवा

ऑर्गेनाइजर्स के भी प्रॉब्लम होते हैं हैं जो टीमें भेजते उनको भी मसले आते हैं कि 16 साल के लड़के हम कैसे ढूंढे यहाँ पे जो सिटिंग सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आसिफ बाजवा में कह रहे हैं कि जितनी भी दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया है पाकिस्तान टीम की तरफ से तो वो सारे टूर्नामेंट जीते हैं तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है क्योंकि इसमें से जो 1994 का वर्ल्ड कप है सिडनी वाला वो पाकिस्तान जीता उसमें ये हिस्सा थे टीम का फिर 1994 की ही चैम्पियंस ट्रॉफी थी जो पाकिस्तान जीता और उसमें भी ये बिल्कुल हिस्सा थे लेकिन 1994 में सेवन नेशन कप एक एन सी हॉलैंड में होता था उसमें भी ये हिस्सा था वो पाकिस्तान नहीं जीता था इसी तरह नोटेबली अगर हम बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें नाइन्टीन का ओलंपिक्स उसमें आसफ़ आज आजवा जो थे वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे लेकिन वो भी पाकिस्तान नहीं जीता उसके बाद नाइनटीन की चैम्पियंस ट्रॉफी जो थी आ, उसमें भी थे वो भी पाकिस्तान जो है आ, नहीं जीता था 1994 की एशियन गेम्स भी हुई थी और उसमें भी यही थे वो भी पाकिस्तान नहीं जीता था तो ये 100 परसेंट बात ठीक नहीं है कि बाजू ने जितनी भी दफ़ा पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किया है किसी भी टूर्नामेंट में तो वो पाकिस्तान जीती है लेकिन यस एप्सोलूटली वर्ल्ड कप और चैंपियंस चैम्पियंस ट्राफी नाइन्टी की वो पाकिस्तान जीता है और वही लास्ट मैच है विक्ट्री आ, जो है पाकिस्तान हॉकी ने जीती भी है और उसमें ये टीम का हिस्सा थे उसके बाद जूनियर अंडर 16 चैम्पियनशिप की बात की है कि पहली दफ़ा उनकी इस फेडरेशन ने इतने लोस एज ग्रुप पे जाके एक चैम्पियनशिप करवाई है और ये भी बात बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि 2017 में खैरपुर में पहली अंडर चैंपियनशिप uh, uh, हुई थी uh, खैरपुर में जो uh, पंजाब ब्लू ने uh, सिंध रेड्स को uh, फाइनल में हराया था तो यह भी बात ठीक नहीं है कि आप पहली दफ़ा यह करवा रहे हैं यह पहले भी हो चुकी हुई है और उसमें एंड में uh, जिस तरह से uh, मिर्जा इकबाल बेग ने उनको कहा के कि कितनी बदमसगी उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है आपको ऊपर उसका लिंक uh, नजर आ रहा होगा वो भी जाके देखेगा कि वहां पर तो बहुत ही ज्यादा मिस मैनेजमेंट और ओवर एज लड़के इतने ज्यादा खेले थे जो कि कह रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि अगर ऐसे इवेंट में दो या तीन लड़के खेल भी जाते हैं तो वो ये खुद बता रहे हैं कि वो इतनी स्पेस इतना ये क्रूशल चीज़ है जो मैंने वीडियो में अपनी बात की थी कि एज ग्रुप आप देखें अंडर सिक्सटीन ये कि यहाँ से बच्चे की जो आई मीन आप एक बीज बोते हैं अपने जो नर्सरी होती है आपकी वो यहाँ से होती है और यहाँ पे ही आप कह रहे हैं अगर दो तीन खेल भी जाते हैं तो अब उसमें जो है हम उसको देख लेंगे और हो जाता है ऐसे और उन्होंने एड्रेस भी किया उनकी सिलेक्शन कमेटी वहाँ मौजूद थी और कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है हमने उसको एड्रेस भी किया क्या एड्रेस किया आपने कोई वहाँ पे तो मुझे तो नहीं लगा कि किसी टीम में से इतने प्लेयर्स निकाल दिया आपने बिल्कुल ही वो यहाँ टीम को ही आपने टूर्नामेंट से आउट कर दिया क्योंकि वहाँ पर वाकई ही ग्राउंड रियलिटी जो है बहुत बुरी मैनेजमेंट हुई थी और ऐसे ऐसे लड़के भी वो अंडर 16 की चैंपियनशिप खेले थे जो दो हजार सारा वाली भी खेले हुए थे कि जो आई मिन दो तीन साल पहले जो अंडर 16 के थे वो दो तीन साल भी इसका मतलब जब वो पहली दफा खेले थे तो बारह तेरह साल के वो लड़के थे तो इतने यंग एज में अगर कोई अंडर सिक्सटीन चैम्पियनशिप खेल रहा है तो वो तो फिर बहुत ही हमारा मुल्क तो भरपूर है टैलेंट है कि इतनी उम्र में भी वो अंडर सिक्सटीन चैंपियनशिप में कंपीट कर रहा है और उसके बाद आ, आ, उन्होंने फिर कहा कि ऐसे जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स को भी ये बड़े इश्यूज होते हैं कि एकदम से वो सोलह साल के लड़के कहाँ से लेके आए ये इस बात की निशानदेही करता है कि कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि आपने अंडर सिक्सटीन चैम्पियनशिप करवानी है आपने कोई उससे पहले नोटिस भेजे उससे पहले आपने कोई टाइम दिया सूबों को या जो भी टीमों ने पार्टिसिपेट करना था कि आप प्रिपेयर करें अपनी टीम जो अंडर सिक्सटीन को तैयार करें हम एज एज ग्रुप का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली दफा हमने ख्याल रखना है कोच नहीं एकदम अनाउंस कर दिया गया और आप खुद कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स को भी नहीं समझ आती कि अंडर सिक्सटीन हम लड़के कहाँ से लेके आए तो अगर उनको नहीं समझ आती जाहिर है वो फिर ओवरेज ही लेके आए होंगे और अगर ओवरेज लेके आए थे तो वहाँ पे जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे और उनकी फिर क्या ड्यूटी थी उन्होंने क्या उस पर इकदामात किया आप कह रहे हैं आपने उस पर उसको देखा भी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये भी बात आ, बिल्कुल आपने खुद ही कहा है कि ऐसा काम हो जाता है अगर हम एक दो हो भी जाएँ तो ये बड़ी अनप्रोफेशनल बात थी और टोटली अनप्रोफेशनली ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था गोल स्कोरिंग के लिए किया गया था और वही बात वो आज कर भी रहे हैं कि हमने पहली दफ़ा अंडर सिक्सटीन इस एज ग्रुप पे भी नेशनल चैंपियनशिप रही है जो कि वो भी बात बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि 2017 में खैरपुर में पहली अंडर सिक्सटीन नेशनल uh, चैंपियनशिप हो चुकी हुई है फिर इसी शो में आगे चल के uh, uh, मिर्जा इकबाल बेग ने कराची हॉकी का जो uh, uh, जो स्टेडियम है अब्दुल अब्दुलसतारदी स्टेडियम वो पाकिस्तान ने uh, जो रिसेंटली आई थिंक कुछ महीने पहले उसकी लीज वापस लिया है मैंने कहा भी था कि इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ इससे रेवेन्यू जनरेट होगा तो इस पर भी बात की क्योंकि वहाँ पर जो स्टेडियम के सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन uh, uh, का काम देखते थे इफ्तार सईद काफ़ी सालों से उसको uh, देख रहे थे और उसकी स्टेडियम की जो हालत है वो सबके सामने है और बहुत ही बुरी हालत है उसमें कोई फैसिलिटीज ही नहीं है कुछ ऐसी नहीं है तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि जो इफ्तार सईद को हटा के एक नई अपॉइंटमेंट की गई है और वो ख़ुद आसिफ बाजवा ने बताया कि वो अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे की गई है और जो आ, जिस बंदे को वहाँ पे अपॉइंट किया गया उसका उनके साथ क्या रिलेशन है तो आ, ये सुनते हैं कि आसिफ बाजवा ने इस हॉकी कराची हॉकी स्टेडियम के बारे में जो बात की है आ, उसको पहले सुनते हैं सर का ताज है जब आप 8 से 2008 से 13 तक पीएचएफ के सेक्रेटरी रहे तो उस वक्त तो इश्खार सैयद जो आप कह रहे हैं बकौल आपके उस्ताद थे वो हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम अब्दुल सत्तारी दी हॉकी स्टेडियम में थे अब अचानक क्या हो गया उनको हटाकर लोग कहते हैं कि आप अपने दोस्त जुनेद को लेकर आ गए

कोई आपने ये किया कि कहीं एडवर्टाइज किया कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जॉब खाली है देखिए ऑनरेडी जब आपने लगाना होता है तो ऑनरेडी है जो जी आँगे अच्छा। आँगे है वो तनख्वाह नहीं लेंगे और वो बल्कि अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च करेंगे मैं ब्रेकिंग न्यूज ये बताना चाह रहा हूँ कि हॉकी क्लब पाकिस्तान के रेनोवेशन का डिमोलिशन का प्लान तैयार हो चुका है जी एच से उनकी इंजीनियरिंग कोर ने हमें डिज़ाइन तैयार करके दिया है तकरीबन डेढ़ अरब रुपये का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट इन शाह तस्वर में आपको हम कब तक एक्सपेक्ट करें ये मुकम्मल हो जाएगा जी मैं हमारी कोशिश है कि साल डेढ़ के अंदर अंदर इसकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करके तो डेढ़ दो से तीन साल के अंदर इस हॉकी स्टेडियम को नई शक्ल दे दी जाए एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा हम अपना एसेट बना लें जिसमें दुनिया भर की टीमें आके खेलें टूर्नामेंट्स हों अब इसमें आसबाजवा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने क्लियरली कहा कि वो उनके दोस्त हैं जिन्हें जिनको इफ्तार सईद की जगह पे अपॉइंट किया गया है और वो पे नहीं लेंगे बल्कि अपनी जेब से पैसे लगाएंगे जो कि बड़ी अच्छी बात है और अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी और कौन सी बात है ऐसे अगर वॉल्टियर आगे आते हैं लेकिन इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आसफ़ भाइयों ने ख़ुद ये एक्सप्लेन किया है कि उनका उनके साथ रिलेशन है तो उन्होंने अपने दोस्त को भले वॉल्टियरली वो लेके आए हैं और इससे बड़ा फ़ायदा होगा और वो अपनी जेब से बड़े पैसे लगाएंगे और इससे हॉकी स्टेडियम जो है उसमें बेहतरी आएगी और ओके चलें अच्छी बात है लेकिन लगा यही है मिर्जा इकबाल बेग ने भी है कि आप अपने इस तरह दोस्तों को नवाज रहे हैं और ऐसे ही एक्चुअली जो कोचिंग अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं और डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में होती हैं एब्सोल्युटली इसके पीछे जो है इस चीज़ का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि अपने करीबी जो होते हैं उनको आगे लाया जाता है विदाउट लुकिंग एट इट कि वो उनका एक्सपीरियंस क्या है कोचिंग में या वो क्या काम कर रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंसेज क्या रह है चुकी हैं और उसी प्रैक्टिस को दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में भी uh, दोहराया गया है आई होप कि अगर वो खुद कह रहे हैं कि वो अपनी जेब से बड़े पैसे लगाएंगे uh, हम इन देखते हैं आगे और उसमें इन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त इसी uh, कराची uh, अब्दुलसतारदी स्टेडियम के बारे में किया कि जो है रेनोवेट होने जा रहा है अब्दुल, अब्दुल सतार अब्दुलसतारी हॉकी स्टेडियम जो कि बहुत अच्छी बात है और जीएचक्यू से इसका डिज़ाइन भी अप्रूव वो कह रहे हो गया है और तीन साल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तीन साल के अंदर अंदर कि ये रेनोवेट होके एक आई मीन एक अच्छा स्टेडियम फुल ऑफ फैसिलिटीज और पीस ऑफ आर्ट एक होगा जहाँ पे जो है बाहर की टीमें आके भी इजीली खेल सकती हैं लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में इस पर ज्यादा उन्होंने जोर डाला कि ऐसा हमें एक स्टेडियम बना दें कि बाहर से टीमें आके यहाँ पे खेल सकें यहाँ पे ये ज्यादा मेरे ख्याल में फोकस करने की जरूरत है कि बाहर की टीमें चलें ठीक है बिल्कुल हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए लेकिन आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपके पास घर में आपके प्लेयर्स के लिए एक ऐसा ऐसी फैसिलिटी आपका क्योंकि ये स्टेडियम अपना है और आपको इसकी लीज भी मिल चुकी हुई है तो इस पे ज़्यादा अगर आप फोकस करेंगे कि ऐसी आप फैसिलिटीज मिलाएँ कि जो आपके प्लेयर्स हैं वो अंडर 16 से ले सीनियर टीम तक के वहां पे आपका एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन सके या कोई ऐसी कोई चीज़ बन सके तो इस पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे फिर इसकी रेनोवेशन का फ़ायदा है ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप एक पीस ऑफ आर्ट बना के कि जी बाहर से टीमें आए और हम ये प्रेजेंट करेंगे हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ठीक है इंटरनेशनल हॉकी वापस आनी चाहिए और उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लेकिन इसकी रेनोवेशन अगर ये एक अच्छा आप कामयाब होते हैं इसको एक अच्छा पीस ऑफ आर्ट बनाने के लिए और अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आ, इंजेक्ट कर सक आ, करने में तो मेरे ख्याल में फोकस ये ज़रूर कीजिएगा और करना चाहिए आपको कि अपने प्लेयर्स को जो पाकिस्तान में आ, आ, हर एज ग्रुप के हैं यहाँ पर अपना एक आ, आ, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएँ और यहाँ पर जो है अपनी डेवलपमेंट का काम करें अपने प्लेयर्स पर तो फिर इसका और बहुत बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है और इससे मैक्सिमम इससे आउटकम भी लिया जा सकता है इसी तरह इसी शो में आगे चल के मिजाइक बाल बेग ने आ, कोचिंग आ, के बारे में बात की कि किस तरह आप लोग हैं इसका इख्तियार है प्रेसिडेंट के पास है तो इ, इस पे जो आसफ बाजवा ने जो आप दिया वो देखें कोचिज लगाने का किसको इख्तियार है आपको है या खोकर साहब से आप डिस्कस करते हैं देखिए पी एच एफ में एक, आ, एक, 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 एक पूरे आ, तरीका कार तय किए गए लेकिन हम तो खबर देखते हैं बगैर कोई इजलास तो खबर ही आई ना सर नहीं ना तर... सर। दानिश कलीम को आपने समीर हुसैन चंद मिनट ओलंपिक्स खेला है वो भी इस्लाम भाई को दुआएं दे केसला भाई की वजह से चंद मिनट का ओलंपियन उसको आपने पाकिस्तान की पहले सीनियर टीम के साथ लगाया फिर यहाँ जूनियर के कैंप के, के साथ लगाया पता चला यहाँ नहीं है अभी वो कैंप में जूनियर के तो एक आदमी और जो थाईलैंड में जिसपे उस पर इल्जाम था जब वीमेन टीम के साथ था थाईलैंड की तो आप लोग क्या क्राइटेरिया आपने क्या रखा हुआ है कि जिसकी जान पहचान है दोस्ती यारी है या कि जो कॉम्पिटेंट है समीर की तो मेरे सा कोई जान पहचान नहीं है ऐसी एक तरीका उनकी पुरानी परफॉर्मेंस देख के पिछला पांच का रिकॉर्ड अगर उसका कोई आप देखें मेडल लिया है चैंपियंस ट्रॉफी जो मद्रास जो शिनाज शेख साहब की कोचिंग में हुई थी तो ही वाज असिस्टिंग उस टाइम पे और उससे पहले भी वो उसके बाद कहा गायब हो गया सर ये तो अपॉर्चुनिटी देने की बात है ना अब इस बात का जवाब देने के लिए जो जिस तरह से स्टार्ट में आपने भी देखा कि मुझे तो आसिफ बाजवा जो हमारे सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बड़े ही कंफ्यूज और शेकी से नजर आए आई कूडन आंसर वो अपना आंसर ही नहीं स्टार्ट कर सके लेकिन आगे जाके उन्होंने फिर बताया कि इस तरह हम करते हैं और जो है लेकिन इसी तरह मिर्जा इकबाल बेग ने बीच में उन्होंने से पूछा कैसे आप ये करते हैं ये दानिश कलीम और नाम दिया समीर हुसैन का और जो मिर्जा इकबाल बेग ने फैक्ट्स बताए समीर हुसैन के बारे में उसको आप, आप सब ने सुना है और बिल्कुल आप उसकी क्या कोचिंग प्रैक्टिस है और वो टीम के साथ हमेशा होता है और वो आपने सुनी लिया और मिजा इकबाल बेग ने वो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बगैर रिसर्च के तो वो बात नहीं की होगी और उनका बड़ा नॉलेज है और बड़ी गिरफ्त है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पे लेकिन उस पर जब रिजल्ट्स की बारी बात आई तो आसाफ बाजू ने कहा कि दो टू की जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी जो इंडिया में हुई थी उड़ीसा में उसमें ये असिस्टेंट कोच था समीर हुसैन बिल्कुल था और अगर उस परफॉर्मेंस की बेस पे आपने समीर हुसैन को दोबारा रीअपॉइंट किया है तो मेरे ख्याल में उसमें जो हेड कोच थे वो शिनाज शेख थे पे पहला उनका बनता है उसके साथ जो स्टाफ मेंबर्स है उसमें नासिर भी थे आ, हमारे आ, आ, मलिक शफकत जो थे वो भी कोचिंग स्टाफ में थे तो वो आपने उनको क्यों नहीं किया फिर वही बात मिर्जा इकबाल बे की जो उसके कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ आपके अच्छे तल्लक हैं इसलिए समीर हुसैन बार बार आ जाता है तो ये इसमें मुझे आई मीन फैक्ट्स है तो ये हकीकत लगती है कि वासी वाकई ऐसा ही होता है इसलिए आपको आ, मुझे तो स्पेशली और मुझे क्या आपको भी हर जगह जब भी टीम मैनेजमेंट रिसेंटलीस में अनाउंस हुई है उसमें समीर हुसैन कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आया तो फिर वंस अगेन वही प्रैक्टिस के कॉन्टैक्ट्स और जो भी

कहाँ पे एडजस्ट और कहाँ पे अपॉइंट uh, करना है तो मेरे ख्याल में ये आपकी ही अपनी uh, जो परफॉर्मेंस uh, है उसको रिफ्लेक्ट करती है और दैट्स वाई मे बी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है कई सालों से uh, अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकी क्य। क्योंकि हमेशा प्लेयर्स पे ब्लेम किया जाता है इसके पीछे ये कोचिंग अपॉइंटमेंट्स जो है ये एक बहुत बड़ी uh, वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम जो है आपको परफॉर्म करती नहीं नजर आ रही पिछले काफ़ी सालों से फिर इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए मिर्ज़ा इकबाल बेग ने पूछा कि अच्छा आप क्या कोई ऐड देते हैं आप कैसे आमीन अपॉइंट करते हैं कोचेज़ और तो उसपे और आगे जाके फिर ख्वाजा जुनेद के बारे में भी बात की गई तो पहले सुने के इसपे आसफ क्या आंसर दिया और, और कोचिस का तकरूर आप कैसे करते हैं इस, ओपन इश्तेहार देते हैं क्या करते हैं अगर तो आ, आपने प्रोफेशनल पाकिस्तान के मैं आपने भी तो अपना एक मास्टर कोच रखा है तैयब इकराम का शागिर ख्वाजा जुनीद

जूनियर एशिया कप जीता है, हाँ। देखें, जूनियर एशिया कप जीता है, और उसको कभी भी आपने एज अ हेड कोच चांस नहीं दिया। अब तो... इसी चीज को आ, इस चीज का आंसर देने के लिए आसाराजवा स्टेटिंग सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खुद ही कह के देखें जी पाकिस्तान हॉकी टी हॉकी फेडरेशन के मसाइल हैं। तो मसाइल पता नहीं किया कि अपॉइंटमेंट्स में क्या मसाइल इसका मतलब ये वही मसाल है कि अपनों को कैसे नवाजने या पता नहीं क्या प्रेशर्स हैं कि इसको आप अपॉइंट करें या इसको ना करें सो so, मुझे तो लगता है यही मसाइल होंगे और तो कोई यहाँ फिर एक फ़ाइनेशियल ऐशूज़ पर मसले पे काफ़ी बात होती है कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अब ये कोचिंग अपॉइंटमेंट में क्या मसाइल हो सकते हैं ये मुझे समझ नहीं आया और फिर आ, लेटर ऑन ख्वाजा जुनेद साहब के बारे में बात हुई कि आ, वो कहाँ से हर जगह और एक बड़ी ज़बरदस्त मिर्ज़ा इकबाल बेग ने यहाँ पे बात की कि यही लोग अगेंस्ट बोलते रहते हैं जब आप इनको अपॉइंट नहीं करते तो एक करैक्टर भी कोई चीज़ होती है कि अगर आप एक चीज़ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं या आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही एंड वही जो सेटअप है आपको एक लॉली पॉप दे देते हैं और आपको कहीं पॉइंट कर देते हैं और आप भागी भागी चले जाते हैं और उन्हीं के ही गुन गाने लग जाते हैं तो ये उसका जवाब भी जो है वो बिल्कुल इरेलीवेंट वो क्वेश्चन कुछ और पूछा गया और बड़ा हैवी क्वेश्चन था गुड से और उसका जवाब बिल्कुल वहाँ पे कुछ और ही कहते नजर आए आसभा और कह रहे हैं कि जब कोई टीम जीत जाती है तो सब उसका हिस्सेदार बनते हैं जब हार जाते हैं तो काफ़ी ब्लेम किया जाता है तो क्वेश्चन तो कुछ और पूछा जा रहा था जिसका बिल्कुल क्लियरली वो आंसर ही नहीं दे सकते और फिर यहाँ पे आसिफ बाजवा ने बताया कि ख्वाजा जुनेद एज अ कोच उनको कभी चांस ही नहीं मिला तो यह भी बात जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है ख्वाजा जुनेद जो हैं दो हजार सोलह और सतारह में जो सुल्तान लांशा कप हुआ था उसमें पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच थे उसके बाद जो है दो की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान हॉकी टीम के जो हैं हेड कोच थे उसके बाद टेस्ट सीरीज आयरलैंड में हुई हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल लंदन उसके बाद जो इनको मैं समझता हूँ कि हटाया गया था जो कि मैं समझता हूँ कि वर्स्ट एवर डिफीट किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की हुई थी जिसमें पाकिस्तान को पाकिस्तान हॉकी की हिस्ट्री में एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल हुए थे पाकिस्तान एक ही टूर्नामेंट में इंडिया से दो दफा आ रहा था और एक दफ़ा सिक्स वन और एक दफ़ा आई थिंक सेवन जीरो समथिंग लाइक दैट उसी टूर्नामेंट में आ, पाकिस्तान कनाडा की टीम से भी आ रहा था आ, आ, और एक बहुत ही वर्स्ट मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम की किसी भी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस पर थी और यहाँ से पाकिस्तान हॉकी टीम ने करना था वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई जो कि रिसेंटली किया था लेकिन इन रिजल्ट्स की वजह से नहीं किया था जो आप ये बड़ी बात करते हैं कि मुझे टारगेट मिला था कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना तो वो तो हो गया था वो इस तरह हुआ था कि वही इफ़ एंड बट्स पे कि वो फलां टीम उससे जीत जाए और उससे हार जाए और इतने गोल मार्जिन से एंड ऑल दैट क्योंकि अगर आ, ये चीज़ ना आती स्टेज पर पाकिस्तान ना होता जो आपने रिजल्ट शो किए थे एज अ हेड कोच पाकिस्तान हॉकी टीम के वो तो वो उस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान क्वालीफाई ना कर सकता और 2018 के वर्ल्ड कप में तो अगर आप ये कहते हैं कि आपने क्वालिफाई कराया इसमें बिल्कुल कोई हकीकत नहीं और अगर आप कहते हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये कह रहे हैं कि उनको कभी मौका ही नहीं मिला और मेरे ख्याल में ये भी बात बिल्कुल गलत है उनको बिल्कुल बहुत सारे मौके मिले और बई कई दफ़ा वो जो हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के सीनियर टीम के जो है हेड कोच भी ले चुके हैं अब इसी तरह आगे चलते हुए शो में ने 1996 में जो स्ट्राइक की थी प्लेयर्स ने अगेंस्ट फेडरेशन उसके बारे में सवाल पूछा उसमें वो देखते हैं उसमें उसका क्या जवाब सौ छियानवे की अटलांटा ओलंपिक्स की बगावत में आप भी शामिल थे शहबाज लोगों के साथ राना मुजाह बच्चे थे तो शामिल ना आप तो बच्चे थे

ये एडमिट किया है कि उनको रिग्रेट है और ये काम नहीं होना चाहिए नहीं करना चाहिए था और आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्रेव जेस्टर उनकी तरफ से कि उन्होंने ये एडमिट किया है और लेकिन एक बात उन्होंने बड़े मजे की की कि उस वक्त हम बचे थे और हमें ये कहा गया तो हमने ऐसे कर लिए मुल्क के लिए बेहतर है तो 1996 में होता हो, तो आसफ़ बाजुआ जो अब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के Uh, आप तो 1992 का उस टाइम ओलंपिक्स खेल चुके हुए थे 1994 का वर्ल्ड कप आप जीत चुके हुए थे और 96 में जाके ये स्ट्राइक uh, हुई थी तो आप माशाल्लाह ओलंपिक्स भी खेल चुके हुए थे वर्ल्ड कप जीत चुके हुए थे एंड देन 96 में भी आप कह रहे हैं कि उस वक्त आप बचे थे आप खुद भी आते ये बात करते हुए लेकिन

और उसके अलावा कुछ और भी हमारा हॉकी क्लब पाकिस्तान से कुछ पैसे आते हैं मैनेजमेंट हमारी उधर से क्लियर हो जाती है अब हॉकी क्लब पाकिस्तान में हमने चेंजेस किए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इधर से भी दुकानों का किराया आता है कि नहीं आता जी भी? आ रहा है।, है बिल्कुल आ रहा है कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे हम फ्रेंसिक ऑडिट हुए हैं स्पेशल ऑडिट हुए हैं और उस पर कार्रवाई हो रही हैं आप तक खबर आ जाएगी जल्दी आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ जिसने गाजरें खाई हैं उसके पेट में दर्द होना है, है।, है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा अच्छा। ने कुछ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फाइनेंशियल इश्यूज पे आपने खुद बताया कि किस तरह से आपको आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और फिर इसी तरह आई होप के फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी आप आप कुछ स्पॉन्सर अट्रैक्ट कर सकेंगे जो कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए तब यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की आ, वो आ, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो देखनी आ, Uh, जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि वो इस सारे फाइनेंशियल uh, जो पार्ट है उसको कैसे हैंडल करते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट्स uh, कहाँ पे करते हैं uh, uh, क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि अभी तक नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि ये पाँच करोड़ है कल तो नहीं दिया काफ़ी पहले से मिल रहा है और दस करोड़ भी कोई रिसेंटली अनाउंस नहीं हुआ आई थिंक एक दो साल इसको भी हो गया कि सिंध गवर्नमेंट ईयरली दस करोड़ रुपया दे रही है लेकिन अब uh, जो अब्दुलसतारदी हॉकी स्टेडियम से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और ये अमाउंट तो आई थिंक स्टिल इट्स अ हैंडसम अमाउंट कि आप एटलीस्ट इसको अपने डोमेस्टिक को एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वहाँ से जो आप बीज बोएं और आने वाले साल में सालों में जो है वो तो पाकिस्तान हॉकी को एक अच्छे यंगस्टर्स और बड़े टैलेंटेड और बड़े परफॉर्म करते हुए जो प्लेयर्स हैं वो नज़र आए क्योंकि इसी में उन्होंने खुद कहा है कि उनके ऑडिट्स हुए हैं और फ्रेंसिक ऑडिट्स हुए हैं और एट दैन उन्होंने गारंटी से ये कहा कि खबर आप तक आ जाएगी और उन्होंने कहा कि जिसने गाजरें खाई हैं उसके पेट में दर्द होना ही होना है तो बिल्कुल होना भी चाहिए जिसने अगर पाकिस्तान हॉकी फ्र कौमी खेल के साथ अगर इस तरह की कोई बदमसगियाँ या कुछ इस तरह के काम किए हैं उनके बिल्कुल उनकी पकड़ होनी चाहिए उनको उस चीज़ की पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये क्यों किया और ये सारा कहाँ गया और ये इतना पैसा जो पाकिस्तान हॉकी की नेशनल स्पोर्ट के लिए दिया गया था अगर उसको मिस किया गया एब्सोल्युटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं और ना किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि एब्सोल्युटली uh, इसके बारे में ऑडिट होने चाहिए और इस चीज़ की तय तक जाना चाहिए कि ये फंड्स कैसे यूज़ हुए और किस किस ने मिस यूज़ किए और अगर किसी ने किए तो उसको एब्सोल्युटली कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बारे में ये बड़ी बात होती है कि बड़ी जॉय रॉयड्स लेते हैं और कोई भी टूर आता है तो बड़े ऑफिशियल्स uh, भर भर के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ले जाती है और uh, उस पर भी आसाबाजियों ने एक बात की है

पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मेरे ख्याल में आ, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं नहीं लिखा के आ, आ, बिल्कुल जा सकते हैं और जाना चाहिए और प्रोफेशनल भी अगर देखें आ, कोई ज़रूरत नहीं होती मैंने भी तेरह साल पाकिस्तान को सर्व किया है और मैं आज भी अलहमदिल्ला हॉकी के साथ काफ़ी क्लोजली अटैच हूँ मैंने कभी नहीं देखा हार्डली मैंने देखा किसी भी फेडरेशन के कोई ऐसे कोई चीफ सेलेक्टर आ रहा है या और या कोई प्रेसिडेंट आ रहा है टूर्नामेंट कोई इन्विटेशनल टूर्नामेंट पे भी वहां पे सिलेक्टर चीफ सेलेक्टर का क्या काम या या तो चले ठीक है प्रेसिडेंट कोई बहुत एफ आई एच की मीटिंग हो बोर्ड की मीटिंग हो या कोई रूल्स की मीटिंग हो या ऐसी कोई आपकी मीटिंग्स हो फिर भी या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी उनमें से एक आया वो मीटिंग अटेंड करे और एब्सोल्युटली एक दो दिन की मीटिंग होती है वो मीटिंग अटेंड करे और वापस आ जाए इतने इतने लंबे वो टूर्स पे बिल्कुल ये साथ जाते हैं ये जॉय होती हैं और ये खुद से बनाया हुआ कि ये समझते हैं उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इनको आ, आ, जाने की जरूरत पड़ सकती है तो मेरा ख्याल में कोई जरूरत नहीं है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक तो सिलेक्शन कमेटी के जो ये प्रोसेस है पाकिस्तान का ये बोगस प्रोसेस है इसको एबसलूटली खत्म होना चाहिए इसका कोई आ, कोई आई मीन इससे कुछ हासिल ही नहीं होता ये सिर्फ वो ही हमारे जो रिस्पेक्टेड एक्स ओलंपियंस हैं उनको कही कहीं ना कहीं फिट करने के लिए ना उनको ये बना दिया जाता है आप चेयरमैन हैं ये दो तीन और जो होते हैं वो मेंबर बन जाते हैं बट अब टाइम चेंज हो गया है और अब प्रोफेशनल दौर है तो ये सिलेक्शन कमेटी का जो एक प्रोसेस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अडॉप्ट किया हुआ है सदियों से मेरे ख्याल में अल्लाह करे कोई आए और सबसे पहले तो इसको तो खत्म करे ना क्योंकि इसका ये आई मीन वेस्ट ऑफ टाइम है ऐसे ही बस जो है एक प्रेशर है प्लेयर्स पे जी आज ट्रायल्स हैं सिलेक्शन कमेटी ने आना है सो so, ये एक उन्होंने ये बात की तो इसको भी जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और इसमें से बहुत सारा जो है चीज़ें माइनस की जा सकती हैं और बेहतर की जा सकती हैं और जो कि करनी भी चाहिए और एक्सपेक्ट आई होप के यही फेडरेशन या कोई आगे आए या कोई भी आए तो इस चीज़ को जरूर प्रायोरिटी पे रखे कि इस चीज़ को एलिमिनेट होना चाहिए और इस पर कम से कम के बहुत ही ज़्यादा जरूरत है तो फिर एक प्रेसिडेंट या एक सेक्रेटरी जाके वो जो भी मीटिंग्स वगैरह और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन या मेंबर का जाने का जाने की कोई जरूरत नहीं इसमें काफी है इसमें काफ़ी पैसे ज़ाया होते हैं तो ये सारा क्योंकि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सिटिंग सेक्रेटरी यासफ बाजवा का इंटरव्यू था और मैंने ये सुना तो इसमें काफ़ी चीज़ें थी वंस अगेन वंस अगेन मैं इस पर काफ़ी जोर डालूंगा कि आप प्लीज़ 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 प्लीज अपने जो वो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल टीम आएंगी बिल्कुल आएंगी आनी चाहिए और पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स आके खेलेंगी इससे यंगस्टर्स को बड़ी अट्रैक्शन मिलेगी लेकिन आप जो आप एक पीस ऑफ आर्ट कह रहे हैं कि हम बनाएंगे अब्दुल अब्दुलसतारी डी स्टेडियम को वहाँ पे ऐसा बनाएं कि आपके जो जितने भी आ, 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 प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पे लेके उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए हाई परफॉर्मेंस अपना सेंटर बनाए वहाँ से अपने प्लेयर्स को ग्रूम करें डेवलप करें जो आगे जाके पाकिस्तान हॉकी को उसका फायदा है और एट दैन ना इसमें आपका फायदा ना मेरा फायदा है ऐट दैन हमारे खूबसूरत पाकिस्तान और पाकिस्तान की हॉकी का फायदा है उम्मीद है आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगी और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अगली वीडियो में मिलते हैं الله عافظ.